वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 अक्टूबर 2018 और 19 अक्टूबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां खोला गया है? तो अभी हाल ही में इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम बेंगलोर में खोला गया है। अच्छा, आज पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए हम विदाउट पेन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने बहुत देर से कोशिश की लेकिन पेन वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आज का ये वीडियो हम विदाउट पेन रिकॉर्ड करेंगे। तो इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम बेंगलोर में खोला गया है। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो ऐसी करेंसी जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, जिसके द्वारा आप इंटरनेट के थ्रू लेन देन कर सकते हो। रियल में ऐसी करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, इसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में पहला एटीएम खोला गया है और ये कहां खोला गया है? बेंगलोर में खोला गया है। अच्छा, बात आ गई बेंगलोर की, तो बेंगलोर से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलोर इंडिया का पहला सिटी बना है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसने जो अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था उसमें दो लैंग्वेज का यूज किया गया था, इंग्लिश और कन्नड़, इन दो लैंग्वेज में मिक्स करके बेंगलोर लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे GI टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग प्रदान किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये GI टैग क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। अब ये होता क्या है, जैसे कोई चीज किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है तो उसको दे दिया जाता है GI टैग, यानी कि उस एरिया की पहचान बनाए जाने के लिए ये GI टैग दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले अल्फांसो आम को भी GI टैग दिया गया था, और अल्फांसो आम कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में पाया जाता है। तो अभी लेटेस्ट में अल्फांसो आम को मिला था GI टैग, और अब बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग दिया गया है, तो ये आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रीमा हुजा ने, ये एक इतिहासकार है रीमा हुजा। आप इमेज में देखिए, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है रीमा हुजा, और ये एक इतिहासकार है। इन्होंने अभी हाल ही में महाराणा प्रताप के जीवन पर बेस्ड ये पुस्तक लिखी है, महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिए, रीमा हुजा, इन्होंने ये बुक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RIL ने हैथवे और किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इसने अभी हाल ही में दो कंपनियों के साथ साझेदारी की है, एक तो है हैथवे और दूसरी है डेन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है रिलायंस ने जियो लॉन्च कर दिया है, तो मोबाइल के सेक्टर में रिलायंस घुस चुका है, अब टीवी के सेक्टर में रिलायंस जाना चाह रहा है, तो केबल टीवी के सेक्टर में रिलायंस अपनी पहुंच बनाने के लिए इन दो कंपनियों के साथ साझेदारी की है, हेल्थवे और डेन। डेन नेटवर्क आपने यूज किया होगा, डेन का केबल आता है, उसके साथ साझेदारी की है रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा ओलंपिक खेल 2018 में आकाश मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में युवा ओलंपिक खेल 2018 में आकाश मलिक ने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये है आकाश मलिक, और इन्होंने तीरंदाजी यानी कि आर्चरी में ये सिल्वर मेडल जीता है।
अब बात आ गई युवा ओलंपिक खेलों की। तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि इस बार के युवा ओलंपिक खेल हो कहां पे रहे हैं, तो ये हो रहे हैं अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि इस बार के युवा ओलंपिक खेल हो कहां पे रहे हैं, और दूसरा आपको युवा ओलंपिक खेलों का मस्कट यानी कि शुभंकर याद रखना है। तो इस बार के युवा ओलंपिक खेलों का शुभंकर है पंडी, तो इसका नाम भी आप याद रखिए। अच्छा, ये शुभंकर क्या होता है? जैसे जिस भी एरिया में ये गेम्स होते हैं उस एरिया के किसी फेमस जानवर को शुभंकर बना दिया जाता है, या किसी पक्षी को शुभंकर बना दिया जाता है, तो वहां पे जो भी चीज फेमस होती है उसको उसकी पहचान के रूप में शुभंकर बना दिया जाता है। तो इस बार के युवा ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? पंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में खाद्य दिवस मनाया गया था, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, और उसी दिन ये स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। स्वस्थ भोजन और स्वस्थ रहने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक साइकिल अभियान है, और इसका नाम रखा गया है स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान, और इसकी शुरुआत किसने की है? केंद्र सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हृदयनाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं खय्याम, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनका पूरा नाम है मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी। इनको अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हृदयनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये हृदयनाथ पुरस्कार होता क्या है? तो इसमें 1 लाख रुपए कैश में मिलते हैं, उसके अलावा एक स्मृति चिन्ह यानी कि एक मेडल मिलता है। तो ये है हृदयनाथ पुरस्कार, इसमें 1 लाख रुपए और एक मेडल मिलता है। तो इस बार का हृदयनाथ पुरस्कार मिलेगा खय्याम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुहेल टंडन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सुहेल टंडन, और इन्होंने इस बार का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडी तिवारी का निधन हुआ है, वे किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? तो अभी हाल ही में एनडी तिवारी का निधन हो गया है, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एनडी तिवारी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे उस टाइम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, उस टाइम एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, बाद में ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इनका नाम याद रखिए, इनका अभी हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप इमेज में देखिए, यही थे एनडी तिवारी, और इनका अभी हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास फिर से शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने चाइना के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास फिर से शुरू किया है। अच्छा, ये फिर से शुरू करने का क्या मतलब है? तो ये अभ्यास 2016 में हुआ था, उसके बाद 2017 में नहीं हुआ, अब 2018 में ये फिर से शुरू किया गया है। अब ये अभ्यास है चाइना के साथ, तो आप मैप में देखिए, ये है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। तो इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो अभी हाल ही में देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये धुआं मुक्त राज्य का क्या मतलब है? तो केरल इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 100% एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि केरल इंडिया का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है, क्योंकि यहाँ पे 100% एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब केरल बना है इंडिया का पहला धुआं मुक्त राज्य, तो आप मैप में देखिए, ये है केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? पी सदाशिव। अच्छा, केरल का नाम आ गया तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप याद रखिए केरल में ही है शांत घाटी, और केरल का नाम है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कई बार पूछा जाता है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पे है, तो ये भी केरल में है। तो जब भी केरल का नाम आए ये दो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, शांत घाटी की बात आई है तो इसी तरह की एक और घाटी पूछी जाती है, फूलों की घाटी, वो कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में है। तो
इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि शांत घाटी और फूलों की घाटी। तो आप याद रखिए, शांत घाटी है केरल में और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मानव रहित ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मानव रहित ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने कर तो लिया, तो इस ड्रोन का नाम आपको पता होना चाहिए। इस ड्रोन का नाम है फियोंग 98। क्या नाम है इसका? फियोंग 98। तो इस ड्रोन का नाम आप याद रखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव रहित ड्रोन है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नोकिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में नोकिया ने आलिया भट्ट को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।